हेलो व्यूअर, सर शकाल, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल न्यूजी पॉइंट पर। आज भी यूट्यूब कम्युनिटी की बहुत सारी खतरनाक स्टोरीज लेकर आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँ। सो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि आज भी बहुत सारे यूट्यूबर्स के खुलासे होंगे। आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले बात करेंगे उर्फी जावेद की। जैसे कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि उर्फी जावेद को 3 साल पहले उनका कोई मैनेजर हुआ करता था, वो थ्रेट्स दे रहा था, वो धमकियां दे रहा था, तो फाइनली वो अरेस्ट हो चुका है। इसके बारे में बताते हुए उर्फी जावेद ने क्या कहा, आइए जानते हैं। सो इफ यू सी देयर आर टू स्टोरीज गोइंग साइड बाय साइड, लाइक वन इज दैट यू नो आई हैव बीन जेल्ड इन दुबई एंड द सेकंड इज आई अपलोडेड दैट यू नो द मैन वाज थ्रेटनिंग टू रेप मी और किल मी, He's in jail right now. The police arrested him. But people are interested more in seeing me in jail. I've seen tweets like, please keep her, Dubai police, please keep her in jail. But I've not seen even a single person saying, talking about the man who was threatening to rape and kill me. Do you see the hypocrisy? People have no problem with someone who's trying to, you know, rape a woman or threatening to rape her, but people have problems with a woman who's just whatever she's putting on her body. Hypocrisy. तो जैसे कि आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि उर्फी जावेद का कहना है कि लोगों को ये जानकर ज़्यादा खुशी नहीं हुई कि जो आदमी उर्फी जावेद को थ्रेट्स दे रहा था, धमकियाँ दे रहा था, रेप करने के लिए धमकियाँ दे रहा था, तो लोग उसको अरेस्ट करते हुए देखते हुए इंटरेस्टेड नहीं है। लोगों को इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि उर्फी जावेद दुबई में अरेस्ट हो गई है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही हैरान करती हैं, ऐसा उर्फी जावेद का कहना है। आप सभी का इस चीज़ में क्या ओपिनियन रहेगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगली स्टोरी की तरफ। बात करेंगे JS Films जसमिंदर सिंह की, जिन्होंने रिसेंटली अपने इंस्टा स्टोरी पर सारे व्यूवर्स को अपडेट दिया कि उनकी वीडियो क्यों नहीं आ रही है। तो छोटी से क्लिप्स हैं, आइए जान लेते हैं। नकली हंसी थी, मैं बहुत सीरियस हूँ। आपको पता है वीडियोस क्यों नहीं आ रही पिछले 10 दिन से? ये जवाब मेरे पास भी नहीं है, बट आपको पता ही है मेरा कुछ हिसाब ऐसा है कि साल में कुछ दिन ऐसे जाते हैं जब मुझसे कुछ होता नहीं है, तो ये वो दिन चल रहे हैं, कुछ करने का दिल नहीं कर रहा है। तो मैं दिल की सुन लेता हूँ कई बार, क्योंकि देखो ऐसा ना, रैट रेस है, पैसा तो सबको अच्छा लगता है, खैर चाहिए भी रहता है ना, डीजल डलेगा तभी तो गाड़ी चलेगी, सीधी सी बात है। एंड लोगों को ये भी लगता है कि जेसन नेशन चालू किया तो पैसा ही पैसा, इसलिए ब्लॉगिंग छोड़ दी, ऐसे भी DM आते हैं। तो भाई ऐसा है, देखो मैं जो अपना मर्चेंडाइज चलाता हूँ या जब भी देता हूँ ना, वो आउट ऑफ माय पैशन देता हूँ। तो जैसे कि आप लोगों ने सुन ही लिया होगा, जसविंदर पाजी फिलहाल अभी थोड़ा चिल कर रहे हैं, तो फिलहाल उनकी वीडियोस नहीं आएंगी। तो थोड़ा दिन आप वेट करिए, फिर से वो अपना धुएंधार बाउंस बैक फिर से करेंगे और आपको वीडियोज मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। सो थोड़े टाइम के लिए पेशेंस रखें। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगली स्टोरी की तरफ। बात करेंगे ट्रिगर्ड इंसान की। ट्रिगर्ड इंसान ने भी अपने चैनल पर रूही राय को रोस्ट करते हुए एक वीडियो अपलोड करी है, तो आइए कुछ छोटी सी क्लिप्स हैं, देख लेते हैं। बहन, रेड फ्लैग अलर्ट। अगर तुम्हारे बंदे के पास सोशल मीडिया है, ही इज चीटिंग ऑन यू। अगर वो लड़कियों को फॉलो करता है, ही इज चीटिंग ऑन यू। अगर उसके पास फोन है, He's cheating on you. अगर वो पैरों में चप्पल पहनता है, he is cheating on you. अगर बाल है उसके, तो he is cheating on you. अगर वो सांस लेता है, he is cheating on you. अगर वो जिंदा है, he is cheating on you. अरे क्या चाहती हो बहन? ट्राई कर रही थी खूब खाना, बहुत ज्यादा यम्मी था। शादी का खाना वैसे बहुत अच्छा होता है, बट ये वाला तो बहुत अलग ही नेक्स्ट लेवल ही था। मुझे तो बहुत पसंद आया। मैंने यहाँ पे चाइनीज प्लेटर मंगाया था और जिसको मैं खा रही हूँ, और यू नो बेशर्मों की तरह, जैसे मेरी किसी की शादी है, बट इट्स नॉट। और स्टार्टिंग में मुझे बहुत डर लग रहा था, बट अब मुझे बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है। इतना कुछ खुसने के बाद हम चले गए कुछ पीने के लिए, और मैंने पिया नारियल पानी, बिकॉज मैं एकदम हेल्दी बनने की ट्राई कर रही थी। इतना सब कुछ खुसने के बाद नारियल पानी पी रही हूँ, बिकॉज मैं हेल्दी बनने का ट्राई कर रही हूँ। गोलगप्पे, समोसे, पाव भाजी, जलेबी, फाफड़ा, सब कुछ खाने के बाद अब मैं कोकोनट वॉटर पीऊंगी गाइस, बिकॉज आई एम ऑन डाइट, यू नो। छोले भटूरे खाली है, आलू पूरी खाली है, अब इसके बाद एक ग्लास गर्म पानी पी लूंगा मस्त एकदम। आई एम ऑन डाइट, यू नो। खाई रसमलाई, इसके बाद रसमलाई भी खाई है।
जस्ट ट्राइंग टू स्टे हेल्दी गाइस। ये एक अलग टाइप की डाइट होती है जहाँ पे आप बहुत ज्यादा खाना खाते हैं। ये काफी डिफिकल्ट कोर्स है। और फिर आप एक कोकोनट वॉचर या गर्म पानी का ग्लास पी लेते हैं एंड फिर आप पतले हो जाते हैं। काफी कम स्टूडेंट कर पाए। ये मेरे जैसे हफ्ते में एक दिन जिम जाने वाले लड़के जो है ये बहुत अच्छे से समझते हैं। ओ भाई खतरनाक भाई, जाकर वीडियो जरूर देखिएगा। चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत खतरनाक वीडियो होने वाली है। और इसी के साथ चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। बात करेंगे अभिन्यू की। अभिन्यू ने रिसेंटली अपने इंस्टा स्टोरी पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए उनके सेकेंड चैनल के बारे में अपडेट दिया। उनका क्या कहना है आइए जान लेते हैं। hey दोस्तों, आपको एक छोटा सा अपडेट देना था कि ये जो अकाउंट है ये अकाउंट हमारा ही है। नेक्स्ट ईयर हम एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। अगर आप बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको शायद इस प्रोजेक्ट के बारे में पता भी होगा, बट बहुत सारे लोग हमें पूछ रहे हैं कि क्या ये हमारा ही अकाउंट है या फिर किसी और ने स्पैम अकाउंट बनाया है। सो वी हैव जस्ट रिजर्व्ड द नेम एंड सून वी विल बी लॉन्चिंग न्यू कॉन्टेंट ओवर हियर। सो देन जस्ट फॉलो दिस अकाउंट, डोंट रिपोर्ट दिस अकाउंट, दिस इज आवर अकाउंट। तो फिर यही मुझे आपको बताना था, फॉलो दिस अकाउंट, दिस इज आवर अकाउंट ओनली, राइट। तो जैसे कि अभी ने बताया, आप लोगों ने सुनी लिया होगा कि उनका एक और चैनल अपडेट देते हुए उन्होंने बताया कि वो एक और प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं जिसके ऊपर काम चालू है। बहुत जल्द उस चैनल पर भी वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसी के साथ चलते हैं अपने अगली स्टोरी की तरफ। बात करेंगे मुनावर फारूकी की। मुनावर फारूकी ने भी रिसेंटली अपने इंस्टा स्टोरी पर अपने न्यू एल्बम के बारे में अपडेट देते हुए क्या कहा आइए जानते हैं। हाय दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म, मेरा 1 मिनट म्यूजिक वीडियो IG पे एक्सक्लूसिवली आ रहा है आज, स्टे ट्यून्ड। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना, मुनावर फारूकी का कहना है कि उनका न्यू म्यूजिक वीडियो आ रहा है। तो चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो देख सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। इसी के साथ चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। बात करेंगे चांदनी मिमिक्री आर्टिस्ट। उन्होंने रिसेंटली अपने इंस्टा स्टोरी पर एक पोस्ट डालकर अपने सारे लोगों को क्या अपडेट दिया आइए जानते हैं। चांदनी शर्मा ने बताया कि कल रात जब मैं ओला पर ट्रैवलिंग कर रही थी तो अचानक से ओला ड्राइवर को किसी का फ़ोन आता है और वो कहता है कि मैं अपना सामान आपके ओला गाड़ी पर भूल गया हूँ। तो ड्राइवर ज़िद करने लगा कि उसका सामान उसको वापस देना है। तो जब चांदनी शर्मा ने मना किया कि पहले आप मुझे ड्रॉप कीजिए, उसके बाद जो भी आपको करना है आप करिए, बट ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ कर एक अनजान सुनसान सड़क पर ले ली और जब गाड़ी रुकी तो मैं उतर गई और उतर कर मैं वहाँ से भाग गई और मैंने ओला में कंप्लेंट करी है और मुंबई पुलिस से भी कंप्लेंट करी है। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना, आप चैट भी पढ़ ही सकते हो, प्रोनाउंसिएशन में अगर मुझसे कोई गड़बड़ हुई है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बहुत ही खतरनाक हादसा हो सकता था और जिस तरीके से गांधी जी ने एक क्विक डिसीजन लिया, बहुत ही अच्छा किया। और आप लोगों का इस सब में क्या ओपिनियन रहेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फिर फाइनली ओला के उस ड्राइवर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। चांदनी ने अपने इंस्टा स्टोरी पर ये अपडेट देते हुए सारे व्यूवर्स को बताया और मुंबई पुलिस को थैंक यू कहते हुए, सभी व्यूवर्स को थैंक यू कहते हुए कि उन्होंने उनकी हेल्प करी और उनके मैसेजेस फॉरवर्ड करे जिसमें उनकी हेल्प हो पाई। और चांदनी ने ये भी कहा कि प्लीज़ थोड़ा सेफ रहें, अलर्ट रहें और अपना ख्याल रखें। आज की स्टोरी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे आपको नए यूट्यूबर्स के नए अपडेट्स के साथ। वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरा कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप अपनी जो भी राय देंगे मुझे खुशी होगी।